नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम घर घर में पति और पत्नी के बीच झगड़े के दौरान बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, वहाँ क्या चल रहा था भाई? इसे कहेंगे ब्रो व्हाट वॉज गोइंग ऑन देयर। ब्रो व्हाट वॉज गोइंग ऑन देयर। अगला सेंटेंस है कुछ नहीं, वही घर घर की कहानी। इसे कहेंगे नथिंग द सेम स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। नथिंग द सेम स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। अगला सेंटेंस है ओहो, फिर से लड़ने लगे क्या वे? इसे कहेंगे ओह हैव दे स्टार्टेड क्वरलिंग अगेन। ओह हैव दे स्टार्टेड क्वरलिंग अगेन। अगला सेंटेंस है उनका तो रोज का काम है लड़ना। इसे कहेंगे इट्स देयर रूटीन टू क्वरल। इट्स देयर रूटीन टू क्वरल। अगला सेंटेंस है क्या क्या बकवास कर रहे थे वो? इसे कहेंगे व्हाट ऑल एब्सर्ड थिंग्स वर दे टॉकिंग। व्हाट ऑल एब्सर्ड थिंग्स वर दे टॉकिंग। अगला सेंटेंस है ठीक है, मुझे उनकी बातचीत बताने दो। इसे कहेंगे ओके लेट मी टेल देयर कन्वर्सेशन। ओके लेट मी टेल देयर कन्वर्सेशन। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती? इसे कहेंगे व्हाई डोंट यू लेट मी गो। व्हाई डोंट यू लेट मी गो। अगला सेंटेंस है मेरा तुम्हारे पास दम घुटता है। इसे कहेंगे आई फील सफोकेटेड इन योर प्रेजेंस। आई फील सफोकेटेड इन योर प्रेजेंस। सफोकेटेड का मतलब होता है दम घुटना। अगला सेंटेंस है तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसे कहेंगे यू हैव रूइंड मी। यू हैव रूइंड मी। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद करना। अगला सेंटेंस है मुझ पर एक एहसान कर दो। इसे कहेंगे प्लीज डू मी अ फेवर। प्लीज डू मी अ फेवर। अगला सेंटेंस है मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। इसे कहेंगे गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। अगला सेंटेंस है कभी मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। इसे कहेंगे नेवर शो मी इवन योर फेस। नेवर शो मी इवन योर फेस। अगला सेंटेंस है मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। इसे कहेंगे आई विल गो मैड, लीव मी अलोन। आई विल गो मैड, लीव मी अलोन। अगला सेंटेंस है अकेला तो छोड़ दूं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसे कहेंगे आई कैन लीव यू अलोन बट आई एम वरीड अबाउट यू। आई कैन लीव यू अलोन बट आई एम वरीड अबाउट यू। अगला सेंटेंस है मेरे बिना तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? इसे कहेंगे हु विल टेक केयर ऑफ यू विदाउट मी। हु विल टेक केयर ऑफ यू विदाउट मी। अगला सेंटेंस है तुम्हें इस बारे पहले सोचना चाहिए था। इसे कहेंगे यू शुड हैव थॉट इट बिफोर। यू शुड हैव थॉट इट बिफोर। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, तुम ही ने मुझे पसंद किया था। इसे कहेंगे इट्स यू हु लाइक्ड मी। इट्स यू हु लाइक्ड मी। अगला सेंटेंस है अब तुम्हें मेरी कोई कद्र नहीं। इसे कहेंगे नाउ यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी। नाउ यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मी। अगला सेंटेंस है तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। इसे कहेंगे यू ऑलवेज मेक मी एंग्री। यू ऑलवेज मेक मी एंग्री। अगला सेंटेंस है एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। इसे कहेंगे आई वुड नेवर कम बैक इफ लेफ्ट वंस। आई वुड नेवर कम बैक इफ लेफ्ट वंस। अगला सेंटेंस है बाद में याद आएगी मेरी। इसे कहेंगे यू विल मिस मी लेटर। यू विल मिस मी लेटर। अगला सेंटेंस है तुम्हें मेरी कीमत का पता लग जाएगा। इसे कहेंगे यू विल कम टू नो अबाउट माई वैल्यू। यू विल कम टू नो अबाउट माई वैल्यू। अगला सेंटेंस है जाऊंगी तो बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। इसे कहेंगे आई विल गो अलॉन्ग विद चिल्ड्रन।
आई विल गो अलोंग विद चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस है, मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही यहाँ रुकी हुई हूँ। इसे कहेंगे आई एम हेयर ओनली फॉर चिल्ड्रन, आई एम हेयर ओनली फॉर चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस है, मेरे बिना इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे कहेंगे देयर लाइफ विल रून विदाउट मी, देयर लाइफ विल रून विदाउट मी। अगला सेंटेंस है, मेरे से तमीज से बात किया करो। इसे कहेंगे टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली, टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। अगला सेंटेंस है, मैं ये सुन सुन कर थक चुका हूँ। इसे कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग इट, आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग इट। अगला सेंटेंस है, मुझे शांति चाहिए बस शांति। इसे कहेंगे आई वॉन्ट पीस जस्ट पीस, आई वॉन्ट पीस जस्ट पीस। अगला सेंटेंस है, तुम अपनी ज़ुबान को काबू में रखा करो। इसे कहेंगे माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कीप योर टंग इन कंट्रोल, कीप योर टंग इन कंट्रोल। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। इसे कहेंगे इट्स यूजलेस टू हैव अ टॉक विद यू, इट्स यूजलेस टू हैव अ टॉक विद यू। अगला सेंटेंस है, प्यारे दोस्तों मैं तो भगवान से दुआ करूँगा। इसे कहेंगे आई विल डू प्रे टू गॉड, आई विल डू प्रे टू गॉड। अगला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, सब पहले जैसा हो जाएगा। इसे कहेंगे एवरीथिंग विल बी लाइक बिफोर, एवरीथिंग विल बी लाइक बिफोर।